ओह माय गॉड, अनबॉक्सिंग टाइम। क्या आदमी है यार। बस मैंने तेरे को एक गिफ्ट दे दिया, हाँ। अब तू मुझे एक गिफ्ट दे दे। अच्छा, पूछ क्या चाहिए। नहीं वो नहीं। पूछ क्या चाहिए। मुझे पता क्या चाहिए। पूछ क्या चाहिए। मुझे पता क्या चाहिए। तेरे को भाभी चाहिए। यही बोलेगा। अरे नहीं रे, मुझे फर्स्ट फ्लोर चाहिए। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। उठ गया हूं, उठ के नीचे आया हूं और देखो क्या देखता हूं, यहां पे पांडा पांडा ही बन के बैठा हुआ है। हेलो पांडे। मुझे लग रहा लोग कहेंगे तो ना ही नहीं रहा, ना दो के सेम कपड़े पहन लेता है। और हाँ, मैं इसको क्या बोल रहा, तूने भी तो सेम मोटी जैकेट पहन रखी है। गाइस दिल्ली में हो चुकी है शिमला वाली ठंड, समझ नहीं पा रहे तुम। 2 बजे दोपहर के उठे हम दोनों और बाहर देखा तो ऐसा लग रहा है सुबह 6 बज रहे। पर ये वाली जैकेट जो मंगाई मैंने, अच्छी फायदा हो रहा है ना। ये तो बेस्ट है, ऐसा पूरी कंबले वाली जैकेट है भाई, ऐसा लगता है कंबली पहन के घूम रहे हो। तो गाइस यूट्यूब आंखें खुलते यूट्यूब इंडिया ने हमारे को भेज दिया एक प्यारा गिफ्ट। ओ माय गॉड, जो भाई से अनबॉक्स हो ही नहीं रहा है, हो गया भाई साहब। ये क्या है भाई। यो शाउट आउट टू यूट्यूब इंडिया एंड ईशो ओबेरॉय, माय गॉड, जिन्होंने आपके लिए भेजा है। आई एम लविंग इट। वैसे ये मेरे लिए भी आना था बट मेरा वाला अभी शायद डिलेड है, बट अभिषेक का आ गया तो यूट्यूब मुझसे थोड़ा सा ज्यादा प्यार करता है नोनू से, तो जल्दी जल्दी मेरे को गिफ्ट भेज देता है। नोनू की डिलीवरी स्लो हो जाती है। नोनू की डिलीवरी स्लो हो जाती है। नोनू की डिलीवरी स्लो हो जाती है। आई एम नॉट प्रेग्नेंट बट आई नेवर फेल टू डिलीवर। YouTube comment. Thank you YouTube India and thank you Isha ma'am for this. Thank you के डब्बे के अंदर एक और thank you का डब्बा। ये उल्लू तो नहीं बना रहे। अरे वो लाल वाला खींचना। ये थोड़ा हेल्प करेंगे। तो भाई व्लॉग कौन करेंगे? ओह ओ वाह, ओह ये तो रोबोट है। Oh my God, ये तो बहुत ही अलग चीज है भाई। अभी तो सच में रोबोट है। ओहो फुकरा इंसान लिखा हुआ है भाई इस पे। ओह माय गॉड, घंटी बज गई। मम्मी पापा आ गए, लेके आया मैं। चल माता आ गई। आ जाओ माता जी, आइए। आप कहाँ प्रेरणा से मिलकर आए हैं? यस। टिल्लू को मिलकर आए हो? टिल्लू को मिलकर आए। वो देखो अभिषेक को यूट्यूब ने एक रोबोट भेजा है। मुझे लगा तू पता क्या बोलेगा, व्लॉग बन रहा है, समझ नहीं आता क्या। भाई थोड़ा टेक्नोलॉजिकली वीक है। अरे थोड़ी सी टोपी पीछे करना, आपका थोबड़ा नहीं दिख रहा है। हाँ। इतना सुंदर भी नहीं है। अरे आप हुस्न परी, आप जाने जहाँ, तुम सबसे हसी, तुम सबसे जवां। ये रही भाई पैम्फलेट, इसके अंदर मैसेज है तेरे लिए। डियर अभिषेक, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर स्टेलर ग्रोथ ऑन यूट्यूब दिस ईयर। You have demonstrated continued dedication, content diversification and a deeper value relationship with your audience. It's an absolute pleasure working with you. Thank you for this partnership. Isha, ye lijiye. Aur yahan par hai bahut bada thank you note, ye lo padh lo. Are tere channel ke stats bhi likhe hue hain. पर थोड़े स्टैट्स पुराने हो गए। फुकरा इंसान ऑलमोस्ट 9 मिलियन सब्सक्राइबर, 500 मिलियन व्यूज, 25 मिलियन लाइक्स, 48 मिलियन वॉचर्स। द वर्ल्ड नीड्स मोर पीपल लाइक दिस। दिस वाज होलसम, लव यू मैन। कुछ बोल भाई। ऑन हो गया, हो गया ऑन। हेलो यूट्यूब, बोल भाई। काता पड़ा तास तास तो फुकरा इंसान। तो हेलो, आराम कर। नहीं नहीं देख, हेलो पे रिप्लाई कर रहा है। हेलो, अपनी रोबोटिक वॉइस में हेलो के रिप्लाई कर रहा है। हेलो। ओके गाइस, तो हमसे नए साल पे त्रिगु भाई ने एक डिमांड करी थी। त्रिगु भाई आपको याद है आपने मुझे क्या कहा था? हाँ। क्या के, क्या कहा था पापा? त्रिगु भाई ने हमसे एक डिमांड करी थी कि नए साल पे हमारे को ये चाहिए। पता है आपको क्या चाहिए? पापा को तो सब पता है, पापा तो अंतर्यामी है, स्वामी है। निश्चय ने एक ऐसी चीज का डिमांड करा था जो चीज उसके पास ऑलरेडी है वो फिर ले लेगा, पर मुझे पता उसका कोई यूज नहीं करेगा। नहीं, कैश, एप्पल वॉच। तो सच में ले आया भाई? भगवान कसम, इतनी महंगी चीज मुझे लगा 20-30 हजार की होगी। कितने की? 1 लाख रुपए की। हाँ तो मैं तो वैसे मजाक में तेरे को बोल दिया था। और भाई अगर तूने पहनी नहीं ना तो लानत है तेरे को गिफ्ट देने पे। भाई मैं रोज पहनूंगा एप्पल वॉच अल्ट्रा 2। आपके खाते से निकल गए पैसे थोड़े, सॉरी। ओह भाई गॉड, पापा सॉरी, पैसे आपने दिए हैं। मम्मी, पापा को भाई टेंशन हो गई। मम्मा, भाई इसे तो दिखने में कितनी स्मार्ट भाई है। ये है लेटेस्ट
कौन सी? ये एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 ले आया है मेरे लिए। एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 मेरे को दिखाओ। मैंने बाय गॉड इसको ऐसे ही बोल दिया था। ओ माय गॉड अनबॉक्सिंग टाइम। कौन सा स्ट्रैप है इसमें? वो तो ये स्ट्रैप खोलो। स्ट्रैप आपको मैं सारे मंगवा दूंगा जितने हैं। है? टोटल ऑल कलर्स। अच्छा जी, मेरे को वाइट चाहिए। अच्छा आपके लिए थोड़ी है वॉच। तो क्या है, मैं और नोनू तो, मम्मी को पता है नोनू ने पहननी तो है नहीं। ओ हेलो, हमें पता है ये सिर्फ 5 दिन पहनेगा या मैक्सिमम 7। मम्मी मैं घड़ी रोज पहनता हूँ यार, आपको भी पता है। मैं तो आज तक नहीं देखी मम्मी इसके, ये तो बंद घड़ी पहनता है इतना पता मुझे। हाँ, बंद घड़ी पहनता हूँ क्योंकि चार्ज मैं करती हूँ। वॉच को चार्ज कौन करता है भाई, अपना फोन चार्ज करने के लिए यहाँ पे वो नहीं वो होता। मैं करती हूँ अल्ट्रा 2। पर ये एक्चुअली जीजू ने मेरे को बोला था कि पिछले हफ्ते जब जीजू आए थे उन्होंने बोला था कि ये वाली घड़ी एक बार चार्ज करो तो 5 दिन नहीं करनी पड़ती। तब मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया था मेरे को भी ले दे, मेरे को नहीं पता था भाई सच में उठा के ले आएगा। बहुत अच्छा है। हाँ नोनू तू कुछ बोले और वो हो ना, ऐसा हो नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है, क्या आदमी है यार। बस मैंने तेरे को एक गिफ्ट दे दिया। हाँ अब तू मुझे एक गिफ्ट दे दे। अच्छा पूछ क्या चाहिए। नहीं वो नहीं। पूछ क्या चाहिए। मुझे पता क्या चाहिए। पूछ क्या चाहिए। मुझे पता क्या चाहिए। तेरे को भाभी चाहिए। यही बोलेगा। अरे नहीं रे, मुझे फर्स्ट फ्लोर चाहिए। एक ये ले यार वॉच वापस। पापा आपकी तो आवाज ही नहीं बाहर निकल रही। रेडी डन डन टन टन। टाइम लग गया। चल गई। थैंक यू यार, तू तो अलग ही क्रेजी बंदा है यार। इसी बात पे मुझे एक गिफ्ट दे दियो। ये ले गिफ्ट ले ले। गिफ्ट ले ले। ओ ओ भाई रे। इस पे मेरे को एक गिफ्ट दे दे मेरे नए रूम में। डांस मेरे नए रूम में आके डांस कर दियो। बस इतना सा गिफ्ट चाहिए। अभी डांस कर देता हूँ मैं तेरे लिए। पापा घर म्यूजिक तो दो। अबू भाई थैंक यू यार, तू बहुत प्यारा है। थैंक यू नोनू भाई, क्यूटी है तू। क्यूटी है। आ दर्द, मेरे दर्द हो गई। दर्द हो गई कहाँ? दर्द हो गई कहाँ? दर्द हो गई गाल पे हो गई ना, मत कर पागल। थैंक यू यार, वेलकम। सच में घड़ी तो मस्त लग रही है, तुम्हें देखो तो सही। हेलो भाई ने घड़ी गिफ्ट करी है, बहुत प्यारी है ना। पहले बोल रहा कि बहुत सुंदर, पर अब्बू से ज्यादा प्यारी नहीं है। सबसे प्यारा तो यही है। तो गाइस वी आर रेडी फॉर व्हाट? कहां जा रहे हैं हम? कहां जा रहे हैं भाई साहब हम कहां जा रहे हैं? भाई साहब अब खाओ ना। तो गाइस फाइनली हमारी 2024 की पहली ट्रिप कहां होने वाली है? हम जा रहे हैं पोर कहाँ है? सिंगापुर। ओह माय गॉड, बहुत ही ज्यादा सस्पेंस बिल्डअप पापा ने कर दिया। बट यस वी आर गोइंग टू सिंगापुर 2024 फर्स्ट ट्रिप। वैसे मैं पापा मम्मी को बोल रहा था न्यू ईयर पे कहीं लेके चलो, न्यू ईयर पे कहीं लेके चलो। ये होता है पापा भाई अब गलत दब गया। एक्चुअली मास्क ले ले भाई। एक्चुअली पापा की फर्स्ट बिजनेस क्लास है, तो पापा आप कितना खुश हो बिजनेस क्लास में बैठने के लिए। अबे जब तू छोड़ दू। हाँ क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो? मैं 2 बार पहले बैठ चुका हूँ। हाँ। मम्मी को बिठाया आज तक? नहीं मम्मी को नहीं। अर्धांगिनी को बिठाना पहले जिम्मेदारी है यार, अब तू जल्दी उतर। तू कैसा, एक्साइटेड है? ओ भाई ओ मजा आ गया। ओ वो फर्स्ट इंटरनेशनल बिजनेस क्लास। अरे यस, अब उतर क्यों नहीं रहे यार? मम्मी तो बाहर निकले, तुम तो उतो। चलो लेट्स गो। हाँ भाई क्या सोच के आगे बैठ गए? आगे बैठूंगा। उतरो भाई, ये कोई वो है? बैठे आगे पीछे क्या बोल रहा है? पीछे आज तक नहीं बैठे, हमेशा आगे बैठे भाई, हमेशा आगे बैठेगा। पीछे चलो प्लीज। प्लीज बोल दिया इसलिए पिघल गया मैं। बोलना पड़ता है, बड़ा भाई है, सबके सामने तो दोस्त जमा सकते हैं, भाई के आगे आके हमारे को प्लीज बोलना पड़ जाता है। भाई मम्मी पापा आर सो लेट, वेरी लेट। बाय बॉयज, बाय। शिफ्ट हो रे, ये घर, ये संसार, ये दुनिया छोड़ के चला मैं। तो पापा आर यू एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड। लग नहीं रहा पापा तो 6 बजे से लगे हुए हैं। चलो 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 चलो। मम्मी यस, फर्स्ट टाइम बिजनेस क्लास, सुपर एक्साइटेड। क्या एक्सपेक्टेशन है बिजनेस क्लास से? एकदम लग्जूरियस से वाला फील होगा मेरे को।
महारानी। ओहो नोनू तू कुछ कहना चाहेगा? एनी एड ऑन? मतलब एक वो है, चेक इन जल्दी हो जाता है, बाकी तो सब सेम है। लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। हाँ। मलन साहब हमें ना जल्दी जल्दी लेके आए थे, बिजनेस क्लास है, लाउंज में बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, खाएंगे ये वो, और यहाँ आके हमें क्या मिला? क्या मिला अबू? मखाना। मखाने। और आपको क्या मिला? चिप्स। फिर ये क्या लेके आया? क्या मिला? घर से खाना नहीं खा के आया मैं, सुबह से सिर्फ सुबह भी यही खाई थी, ब्रेड ही खाई थी, चार पीस ब्रेड के खा के आया हूँ मैं सुबह से, क्योंकि ये कह रहे थे वहाँ पे बहुत सारा खाना मिलेगा। और एक तो अपनी आदत है, जब खाने की लालच हो जाती है फिर मैं सोचता हूँ खाली रखते हैं, फिर ज़्यादा खा पाएंगे। यहाँ के मिला गया है सैंडविच और पापड़। ये सैंडविच, सैंडविच, पापड़ एंड सैलेड। मम्मी आर यू एक्साइटेड? सुपर एक्साइटेड। कितना एक्साइटमेंट है? इतना, बहुत ज़्यादा। कितना? अरे भाई जल्दी, ये डांस है। ओह माय गॉड, पता क्या हुआ? ये पकड़ियो, मैं सबको कहानी तो सुना दूँ। अभी वो एयर होस्टेस मिली और वो नोनू के साथ फोटो खिंचाने के बोलती, निश्चय यू सो क्यूट। मैं कहा भाई कर लो शादी, मैं तो यही कह रहा हूँ इतनी देर से। हम तो बुकिंग कराने को रेडी है भाई, मान ही नहीं रहा। मान जा भाई, बहुत क्यूट क्यूट वो था एक्सप्रेशन। मैं तो कहीं भी कोई वो होता है ना, कोई लड़की अगर इसको हेलो हाय भी कर दे, मैं तो कहता, मैं तो सपने देखता हूँ, जैसे वो धूम में नहीं देखते उदय शेट्टी निश्चय के साथ चार बच्चे और दो बीवी, सॉरी एक बीवी और चार बच्चे। हेलो हेलो अरमान मलिक, गलती से निकल गया भाई, सॉरी। सेठानी जी की वॉकिंग चालू हो गई है। सेठानी जी जा रही है। मम्मी मम्मी यही सीट है आपकी सामने वाली? नहीं नहीं ये वाली नहीं, ये वाली, ये वाली इधर वाली है। चल इधर वाली सही। ज्यादा फर्स्ट पे बैठा हूं, सेकंड पे? मम्मी को सेकंड पे बैठा, मम्मी को फर्स्ट बैठा, सेकंड तो हमारा आदत है। ओ भाई चल मम्मी बैठ जा मेरे साथ। 1D1F 2D2F पढ़ा जा रहा है। आप मम्मी को पूरा मेन्यू रीड करके बता रहे हैं? तू बताना फिर इसमें कौन सा वेज है। कुछ नहीं, बस वेजिटेरियन अंजीर पसंदा वाला मील बोल देना। मैं भी वही जा रहा था। बाकी और कुछ नहीं है। डेजर्ट्स में वही सबको जो मिलेंगे आपको भी मिल जाएंगे। तो मेरे लिए तो है वैसे ये क्यूटीज है मेरे मम्मी आता एकदम। पापा देखो कैसे प्यार से एकदम मम्मी को पूरा रीड करके सुना रहे हैं कि ये दे सकते हैं। मैंने उसके स्पेक्स नहीं है ना, तो इसीलिए तो बोल रहा हूं, बता रहा था। अरे अरे क्या बात। Welcome और to फिर Singapore. और फिर मैंने पूछा किद्दा चंगी, एयरपोर्ट पे हूँ मैं, चंगी एयरपोर्ट। क्या क्या मीम था, क्या भाई, दो मिनट में इमिग्रेशन क्लियर, दो मिनट में बाहर, ये नाचो। और मैं पता क्या बोल रहा था, इन्होंने ना चार दिन ना छोटे छोटे बैग ले रखे हैं। मैं कह रहा था इससे अच्छा तो मैं एक बड़ा बैग ले लेता और मैं ही घसीट। अबे ये कौन सी नकली स्टोरी सुना रहा है? असली स्टोरी तो सुना, मम्मी ने अपना बैग उठाया वो वाला, दिखा तो सही कौन सा वाला। ये वाला बैग उठाती है मम्मी और फिर उसके बाद कहती है ये तो हमारा बैग है ही नहीं, वापस रख दिया। अरे हम फिर इसी को कुल्ली बनाते कि अभी कुल्ली एक बैग उठा पा रही है। मैं कुल्ली बनने के लिए तैयार हूँ, बट सबसे सही में अच्छी स्टोरी यही है, मम्मी ने अपना बैग उठाया और मतलब अपना बैग उठाने के बाद कहती है ये हमारा बैग नहीं, इसको रख दो और वापसी रख दिया। मैंने कहा मम्मी नाम देखो अपना ही लिखा, कह रहे नहीं नहीं ये छोटा है। और एक और बढ़िया स्टोरी सुनाऊं, जो तूने मेरे को घड़ी गिफ्ट करी उसका वो लूप घूम गया, तो मैंने देख देसी जुगाड़ कर रखे हैं, 90,000 की घड़ी पे 10 पैसे की रबड़ चिपका रखी है। किसने ढूंढी? मम्मी ने उनके केबिन क्रू से ये रबड़ का जुगाड़ करा है। छोड़ तुझे बता, हम कौन से होटल रहने वाले हैं? हम कौन से होटल रहने वाले हैं ब्रो? मैंने बुक करवाया है आप लोगों के लिए मरीना बे सैंड्स। तो व्यू तो दिखा, देख व्यू तो पापा है। अरे मैकडोनल्ड दिखाया, कॉफी ले ले। गाइस इस मैकडोनल्ड पे कुछ भी वेजिटेरियन नहीं है, हमने उससे पूछा एनीथिंग वेजिटेरियन, कह रहा है आई विल गिव यू चिकन बर्गर, चिकन निकाल लो वेजिटेरियन। मैं क्या भाई, अरे कॉफी तो पी लो भाई, ले लो। अरे कॉफी स्टारबक्स से। एयरपोर्ट से अभी हम बाहर ही निकले हैं और एक मिनट हुआ है बस, मेरी शक्ल का हाल देख लो एक बार, बाय गॉड इतनी गर्मी है यहाँ पे।
जितनी सर्दी से हम दिल्ली से आए हैं यहाँ पे उतनी ही गर्मी है। एकदम थोड़ा मेरा एकदम गीला हो गया है। मम्मी मम्मी आपको गर्मी नहीं लग रही? बहुत ज्यादा। पापा को लग रही होगी गर्मी? ह्यूमिडिटी है। अरे मैंने तो 6 लेयर पहन रखा है, ये जैकेट उसके नीचे, टी शर्ट उसके नीचे, वार्मर उसके नीचे, बनियान उसके नीचे, और भी कुछ होगा। मेरा सोचो क्या हो रहा है। इश्क़ चेचना सा चलन